एक ही बात है ना, मैं बार बार दोहरा रही और आज फिर से कह रही हूँ कि इस शादी का एक भी फंक्शन बिना किसी विघ्न या कलेश का नहीं हुआ है। किस्मत के साथ पंजा नहीं लड़ाना चाहिए, वो सर के बल पटकेगी। लेकिन आप लोग हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे हाथ देखते ही मैंने कहा था कि इस शादी को रोक दो, यहाँ तक कि अभी तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि शादी को रोक दो, लेकिन आप लोग हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। मेरी बात आपके पल्ले नहीं पड़ती है क्या? ठीक है, करो मनमानी, फिर भुगतना। मम्मी क्या बोल रही है दादी? को कुछ भी मतलब क्या गलत बोल रही है? हाँ तो एक छोटी मोटी ऊंच नीच होना एक बात है, लेकिन अगर इस शादी से हाथ पर आज भी आई तो हमें ये शादी मंजूर नहीं है। मैं ये क्या बोल रही हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। हम अंधविश्वास में नहीं मानते, लेकिन रोज ये सब जो हो रहा है ना, हम उनकी बातों को सच होता देख रहे हैं। कहीं आपका और अस्मिता का गठबंधन अपशगुन तो नहीं? मम्मा अस्मिता जी का होना नहीं, उनका मेरी लाइफ में ना होना अपशगुन होगा। ये बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? पिता रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, नो 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 नो, आप लोग ये समझ, हर बार हर चीज को शादी पर डालने की क्या जरूरत है? जब देखो शादी पे ब्लेम करते रहते, क्यों बार समझ रहा है क्या? हर चीज को मैंने एंटी एंजाइटी का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएंगे। हमारी शादी होगी, मैं मर जाऊंगा अगर ये शादी कैंसिल हुई, मर जाऊंगा। ठान बाबा, बुरा तो मुझे हृदय के लग रहा है, उसके उसके दिल को चोट पहुंचेगी, बिखर जाएगा वो। आई जस्ट होप कि सच्चाई जानने के बाद वो समझ जाए कि मैंने ये सब एक नेक इरादे के साथ किया, अपने दोस्त शांतनु के लिए। बस एक बार मैं पता लगा लूं कि निवेदिता मौसमदार का पार्टनर कौन है, तो सबके सामने उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी शादी के मुहूर्त से पहले। ध्यान बाबा, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं चाहे जो भी हो जाए, बात तो तय है, मैं हृदय के साथ शादी नहीं करूंगी, ये गलत है। मैं चंदा का पता चल गया है, उसे लास्ट टाइम सोनागाछी में देखा गया। चंदा माँ ऐसे अचानक क्यों चली गई होंगी? सब मुझे ऐसा लगता है उनके गायब होने का ताल्लुक निर्दिता मौजूमदार से था। चंदा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन पुचकी तुमने जो भी सोचा है, जैसा भी सोचा है, अगर वो सब कुछ तेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो, अगर निवेदिता मजूमदार का सच सबके सामने ना ला पाई तो सोचा है क्या होगा? ना चाहते हुए भी तुझे हृदय के साथ शादी करनी पड़ेगी, और शांतनु को पारो के साथ, फिर क्या होगा? पारो, ये जो खेल मैंने रचा है ना, ये वैसे ही चल रहा है जैसे मैं चाहती थी। बस कुछ ही घंटों में ना तू चाचा चौधरी के दहलीज पे अपना पहला कदम रखेगी। दुग्गा रे दुग्गा, मेरा श्राप और मेरी बद्दुआ ना अब मेरी ही आंखों के सामने रंग लाएगी। पर अब तू ये भी दुआ कर ले कि कल कोई तमाशा ना हो बस। अरे तमाशा करने वाली वो औरत तो मेरे कब्जे में है। और अगर उस औरत ने मुंह खोलने की थोड़ी सी भी गलती करी ना, तो अपने बेटे शान मजुमदार से
हाथ धो बैठेगी। और रही बात उसकी उस आशिकी की, बड़ी आंख वाली लड़की की, क्या नाम है उसका? अस्मिता। हाँ, अस्मिता। उस पर तो मेरी आंखें 24 घंटे टिकी हुई गिद्ध की तरह। बस परमिता, अब एक खेल खत्म और एक खेल शुरू। बस एक बात बता, क्या जरूरत थी उस लंगड़े को गुलाटी मारने की? पगला गया है उसके प्यार में। बस परमिता, अब उल्टी गिनती चालू कर। पारो, कुछ ही घंटे रह गए हैं तेरे पास, क्योंकि कुछ ही घंटों में तू बनने वाली है मिसेस परमिता शान मजुमदार। अब देख कैसे ये ब्यूटी ना स्त्री चरित्र दिखाएगी उन्हें। ऐसा स्वाद चकाऊंगी ना उसको कि अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे वो लोग। जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है। अब देख तू मेरा खेल। वो क्या है ना परमिता, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन पूरे खानदान को खून के आंसू ना रुलाए ना मैंने, तो मेरा नाम भी ब्यूटी नहीं। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? शान बेटा, आपकी शेरवानी। सर, हेयर प्रेस होके आ गई। सर, मम्मा कहाँ है? गहरी सोच में है रितोय की शादी को लेकर के, कि कल शादी होगी कि नहीं, तय नहीं कर पा रही। बेटा, रितोय की शादी का पता नहीं, लेकिन आपकी तो शादी होगी ना? सर, सर ऐसी हालत में मैं कैसे शादी करूं? मेरा मन नहीं मानता सर। हाथ जोड़ता हूं शान, अब और सरप्राइज और शौक नहीं। सर प्लीज, पहले ही शादी का मजा कह करा हो गया। मीडिया शादी को कवर कर रही है, बाहर से मेहमान आ चुके हैं। बेटा, बात इज्जत की बनाई है, अपनी शादी को कैंसिल मत करना। ये आपके शेरवन। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया? तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया? तो लुट गए, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया? तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। Oh.
जब है इश्क यारा। पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अलविदा पुचकी, आज से मेरा और तुम्हारा और कोई रिश्ता नहीं होगा। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे छोटे भाई की बीवी हो। हृदय बेपना प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे बिना मर जाएगा वो। उसे पैर में चोट दी थी ना मैंने, मेरा ये बलिदान उसका मरहम हो। मुझे ये बलिदान देना पड़ेगा पुचकी, I'm really sorry। मैं जानता हूं हमारी कहानी कुछ और हो सकती थी, पर शायद ये किस्मत किस्मत को यही मंजूर है। सिर्फ कुछ घंटे और, फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, उस अफसोस के साथ कि इस जन्म में मैं अपनी दोस्ती प्यार में तब्दील नहीं कर पाया। मदद करो दुर्गा माँ, हमारी प्यारी सी कहानी को इतना भयानक मोड़ मत दो, मत दो माँ। आप ही ने पुचकी और शांतनु को साथ रखा है, उनकी किस्मत की लकीरें आप ही ने जोड़ी रखी ना। परसों पहले जो कहानी शुरू की थी उसे आप ही को पूरा करना होगा माँ, आप ही को अंजाम देना होगा उसे। ने उन्हें मिलाया है तो उनके पीछे ये दुनिया क्यों, इम्तिहान क्यों? ये इम्तिहान मेरे बच्चों का नहीं है माँ, आपका है। अगर आप हैं, आपकी दिव्य शक्ति है, तो आपको पुचकी और शांतनु को एक साथ लाकर अपने होने का सबूत देना होगा। शांतनु और पुचकी को मिला दो माँ, वरना आपकी ये भक्त आपके सामने ये दिया कभी नहीं जलाएगी, कभी नहीं मानेगी आपको। एक भक्त के भरोसे का वास्ता है मां आपको।
जॉय, ये तू ये क्या कर रहा है? डॉक्टर अंकल, दादी वो यहां तक कि मम्मा के मन में भी वहम बैठ गया। सबको लगता है कि मेरी और स्मिता जी की शादी अशुभ है। मैं आपसे पूछता हूं दादा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? उठ, उठ, खड़ा। पागल हो गया क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानते हैं ना दादा, क्या आपके बिना आपका जूनियर अधूरा है। आप ही ताकत हो मेरी और आप ही कमजोर। दादा दुनिया चाहे चौक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है दादा, क्या आप अपना दिया हुआ वादा जरूर निभाएंगे। दादा, दादा 12 बज चुके हैं, आज शादी हमारी, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी और स्मिता जी की शादी जरूर करवाएंगे। है ना दादा? दादा स्मिता जी लूट कर पूरा मान कर चली गई है, मुझे नहीं लगता कि वो मंडप में आएंगी। दादा अगर आज मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं कसम से कह रहा हूं आप सब मेरा मरा मुंह देखेंगे। आज कह दिया है, दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना तू। मेरा वादा है तुझसे, तेरे बड़े भाई का वादा है, तेरी दुल्हन को मंडप तक मैं ले जाऊंगा, तुम्हारी अस्मिता को मंडप तक मैं ले जाऊंगा, मेरा मेरा वादा है तुझसे। बारह बज चुके हैं बिटिया, नया दिन निकलने ही वाला है, बस कुछ ही घंटों में तेरी शादी है, मेरा कहना मान और तू जाके हृदय को सब कुछ सच सच बता दे। देर मत कर बुढ़िया, और अनर्थ को होने से रोक ले। मैं तुझे तेरे दिल को और तेरे आत्मा को मारकर हृदय से शादी करनी नहीं दे सकता। अब क्या करेंगी आप? कुछ तो एक्शन लेनी होगी। शांतनु, तुम ये सुहाग का जोड़ा है, मेरे जूनियर की दुल्हन का घूंघट, मौजूमदार खानदान की छोटी बहू का घूंघट। तुम्हारा बंधु, तुम्हारा बूढ़ो आज तुमसे कुछ मांगने आया है, कुछ की जो मांगूंगा वो तो की शांतनु की कसम, अगर आज तुमने रितुआ से शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। जिस दोस्ती की दुहाई देती हो आज उसी दोस्ती का वास्ता है तुम्हें, ये घूंघट स्वीकार कर लो, पिछला सब कुछ भूल कर इस घूंघट को ओढ़कर मंडप में आ जाओ।